एहसान हो तो ऐसा, इनाम हो तो ऐसा, इख्तिताम हो तो भी ऐसा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। वेस्टइंडीज को 65 साल बाद उसी की सरजमीन पर शिकस्त। कैरेबियंस ने 304 रन के हदफ के ताकुब में 202 रन बनाए। यासिर शाह मैन ऑफ द सीरीज करार। मिसबाह उल हक कहते हैं, शानदार फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। करियर का इससे बेहतर इख्तिताम नहीं हो सकता था। बेनजीर करियर, बेनजीर अलविदा। टेस्ट क्रिकेट के दो रोशन सितारों की आखिरी इनिंग्स का फातेहाना इख्तिताम। मिसबाह उल हक और यूनुस खान की आखिरी टेस्ट सीरीज कई हवालों से यादगार। पवेलियन लौटने पर टीम का दोनों को ऑनर, मेजबान खिलाड़ियों का भी लेजेंड्स को खिराज तहसीन। खानेवाल के इलाके जहानिया में सीटीडी और हसास इदारों की कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक, 4 फरार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की तो 3 दहशतगर्दों ने खुद को उड़ा लिया। 1 दहशतगर्द फायरिंग में मारा गया। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। मुस्तफा कमाल समेत पीएसपी के तमाम गिरफ्तार रहनुमा रिहा कर दिए गए। मुस्तफा कमाल कहते हैं, 48 घंटों में अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कराची के लोगों ने हुक्मरानों को डरा दिया। 16 निकात से पीछे नहीं हटेंगे। आसिफ अली जरदारी की हुकूमत करप्ट है। कराची में पानी घिरे सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ ताकत का बेदरेग इस्तेमाल। वजीर आला हाउस जारे से रोकने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग, अंधाधुन शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। आंसू गैस से बच्चे और खवातीन भी मुतासिर। भगदड़ से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। बेल्ट रोड फोरम पर गोल बेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ यान की लीग इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस के 2 सेशन होंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ कॉन्फ्रेंस के दोनों इजलासों से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ करप्शन में रंगे हाथों पकड़े गए। इमरान खान कहते हैं, जेआईटी में अभी बहुत कुछ सामने आएगा। जब तक नवाज शरीफ को जेल नहीं पहुंचा देता छोड़ूंगा नहीं। नवाज शरीफ करप्शन के बादशाह और गॉड फादर है। इस्लामाबाद में गिरफ्तार अफगान बाशिंदे का 30,000 अफगान बाशिंदों को जाली शिनाख्त कार्ड बनवा कर देने का इंकशाफ। मुलजिम के सहूलतकार ने 1,00,000 अफगान शहरियों को कार्ड बनवा कर दिए। तहकीकात का दायरा वसी। नादरा के मुलाजमीन और अफसरों के गिर्द घेरा तंग। खुसूसी रिपोर्ट रोजनामा 92 न्यूज का हिस्सा। जुड़वा शहरों में था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। सब छप गया, सब पढ़ेंगे 92 न्यूज का अखबार। लाहौर और कराची में जबरदस्त पजीराई के बाद रोजनामा 92 न्यूज की शहरे इख्तदार से भी अशार। रोजनामा 92 न्यूज लेने के लिए अखबार फरोशों की लाइनें। इस्लामाबाद में रोजनामा 92 की अशात की खुशी में अखबार फरोशों ने केक काटा। अखबार फरोश यूनियन के अहदेदारों, ग्रुप एडिटर इरशाद आरिफ, एडिटर फोरम राना अजीम समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। कामयाबी के लिए दुआ। रोजनामा 92 न्यूज तमाम तबकों की आवाज बनेगा और मसाइल को उजागर करने में किरदार अदा करेगा। तारीख के सबसे बड़े साइबर हमले में 150 ममालिक में 2,00,000 से ज्यादा इदारों और अफराद मुतासिर। यूरोपोल का कहना है कि कल तक मुतासिरीन की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। इतने बड़े पैमाने पर साइबर हमले की आलमी सतह पर रसाई हैरान कुन है। जंगजदा यमन में हैजे की वबा फैलने से हलाकतों की तादाद 115 हो गई। हैजे से मुतासर 8,500 अफराद अस्पतालों में जेर इलाज। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने कहा है, वबा से संगीन सूरत हाल का सामना है। दारुल हुकूमत में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। और हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का दूसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर राज। एडवेंचर फिल्म ने मजीद 6 करोड़ 30 लाख डॉलर समेट लिए।